Hello, my dear students. Welcome to Basidia. I'm Dr. Stuti Agrawal, and today I'm going to tell you ki body fluids and circulation mein kaun-kaun se important topics hain or the focus areas from this particular topic. Now, typically from this particular chapter, you can expect average at least 3 to 4 questions. आप ऑलरेडी जानते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी सेल्फ काफी बड़ा पोर्शन कवर करता है ऑफ योर सिलेबस इन द नीट एग्जाम. उसमें भी ये कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा हाई वेटेज में पूछे जाते हैं. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन भी उन्हीं कुछ चैप्टर्स में से एक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड. सबसे बेसिक और फंडामेंटल चीज जो आपको याद रखनी है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड. इसके अंदर आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. छोटी छोटी डिटेल्स अबाउट ऑल दीज सेल्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी फंक्शंस, राइट, इन सबके फंक्शंस और इनका काउंट. अब आप ऑलरेडी डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स के काउंट ऊपर या नीचे होने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल थिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर. द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी, आई विल टॉक अबाउट डब्ल्यूबीसी इन लिटिल मोर डिटेल. एक्चुअली यहाँ पर जो स्पेसिफिकली चीज पूछी जाती है, यू मस्ट बी ऑलरेडी फेमिलियर विद द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी दैट आर देयर. हम इन्हें डिवाइड करते हैं इंटू ए ग्रैन्यूलोसाइट्स एंड ग्रैन्यूलोसाइट्स, इजंट इट, राइट. तो इनके जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल कि हाउ ए ग्रैन्यूलोसाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रैन्यूलोसाइट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी कॉमन है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ऑफ कोर्स कॉमन पाथवे. ऑलवेज रिमेंबर, इन ह्यूमन फिजियोलॉजी कॉमन पाथवे एक ऐसी चीज है जो हर जगह पर अप्लाई. ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी द अप्लाइड पार्ट, इजंट इट. अगर आपको ये क्लियर है कि कॉमन पाथवे क्या है, कहां से पूरी प्रोसेस शुरू होती है और कहां पर जाकर खत्म होती है, इफ यू नो ऑल दीज थिंग्स अबाउट एनी टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, इट विल बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस दैट आर एसोसिएटेड विद इट. कॉमन पाथवे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डबल सर्कुलेशन, तो आपको पूरा पाथ पता होना चाहिए हार्ट टू लंग्स एंड देन बॉडी, राइट. तो बॉडी में से हार्ट के साइड जाएगा, हार्ट इसको सेंड करेगी टुवर्ड्स द लंग्स, राइट. दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क. एंड देन ऑफकोर्स नेक्स्ट चीज क्या होगी कि बॉडी की तरफ आएगा फ्रॉम हार्ट, लाइक दिस. सो दिस इज गोइंग टू बी द स्पेसिफिक, यू कैन से वेरी सिंपल थिंग. ऑल्सो लंग्स डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ना, बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट लेगा और फिर ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास जाएगा. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द पाथवे दैट यू हैव टू रिमेम्बर. नाउ इसके अलावा ऑफ कोर्स यहां पर आते हैं स्ट्रक्चर्स दैट आर इन्वॉल्वड. स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्वड, सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले कि कौन कौन सी आर्टरीज आर टेकिंग पार्ट एंड वेन्स. And of course, the most important exception of pulmonary artery and vein. Very easy, very simple question. लेकिन कई बार हम over judge कर लेते हैं question को, over analyze कर लेते हैं और इस वजह से छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं. Other than this, important things are going to be valves, right? All the four valves you should remember each and every year. At least one question is being asked from this particular area itself. Tricuspid, bicuspid, mitral wall, pulmonary. You should remember all of these. हर जगह पर इसके applied part के बारे में जरूर question पूछा जाता है. Next thing is going to be the cardiac cycle. Again, अगर आपको common pathway पता है तो आप cardiac cycle भी समझ पाएंगे. Cardiac cycle में जो सबसे common question पूछा जाता है वो पूछा जाता है about the phases of it. So there is going to be सिस्टोल एंड डायस्टोल और इसके बीच में एक रेस्टिंग फेज आता है. सो दिस होल साइकिल, इसमें आपसे इन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि सिस्टोल कितनी देर के लिए, लेट्स से अगर टोटल जो साइकिल है वो 0.8
seconds ki hai, right? 0.8 minutes actually, less than a minute. Now, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए इतनी देर के लिए साइकिल हो रही है तो उसमें से सिस्टोल कितने मिनट्स या माइक्रो मिनट्स के लिए हो रहा है या सेकंड्स के लिए हो रहा है, एंड सेम गोज विद डायस्टोल एज वेल. ऑल्सो यहां पर पूछी जाती है आपसे वॉल्यूम्स कि मान लीजिए एक साइकिल में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इन अ सिंगल साइकिल पूरा 5 liters ऑफ ब्लड, राइट, एक साइकिल फिनिश होते होते तक इतना पूरा का पूरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, करेक्ट. या इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि हार्ट से पास हो जाता है बेसिकली, राइट. तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट रेसिड्यूअल वॉल्यूम्स या फिर हार्ट एक बार में कितना पंप आउट कर सकता है एज इन कार्डियक आउटपुट, इजंट इट, स्ट्रोक वॉल्यूम. सो दीज आर वेरी कॉमन एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर बीइंग कॉन्स्टेंटली आस्क्ड. स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट की मैं बात करूं तो इन पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, बहुत इजी और सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं. तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सिंपल सा और छोटा सा फॉर्मूला है, यू शुड रिमेंबर दैट, और बहुत आराम से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आफ्टर कार्डियक साइकिल नेक्स्ट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो होंगी वैल्यूज विथ देयर यूनिट. अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल टोटल कार्डियक आउटपुट की, या अगर हम बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम की, हम रेसिड्यूअल वॉल्यूम की बात करें, तो आपको स्पेसिफिकली इनका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो प्लस द यूनिट, यू शुड रिमेंबर दिस. नाउ नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी ऑफकोर्स द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हार्ट से रिलेटेड कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर फ्यू स्टूडेंट्स, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक. बहुत कॉमन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कई बार हम यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं. इसके अलावा देर इज समथिंग कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट, जहां पर हम बात करते हैं कि जो आर्टरी है उसमें लेट्स से यहां पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, दिस विल directly influence the blood pressure which is present there, right? So these kind of questions are very very common in your NEET exam, right? So I hope this is clear to you that from this particular chapter kaun kaun se specific focus areas hain jo aapko yaad hona hi chahiye for your NEET exam. Ek aur important cheez, jab hum yahan composition ke bare mein baat karte hain, ek bahut simple sa question kai baar pucha jata hai that how blood is different from plasma. एक क्वेश्चन ये भी होता है दैट हाउ ब्लड इज डिफरेंट फ्रॉम लिम्फ टिश्यू, राइट. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होना चाहिए बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो आपका फाउंडेशन बना रहा है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ योर मेडिकल करियर बेसिकली, इजंट इट. तो अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई वुड रेकमेंड दैट दीज आर फ्यू चैप्टर्स, स्पेसिफिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए सो दैट इट बिकम वेरी वेरी इजी फॉर यू इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज, राइट. चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. यहां से स्पेसिफिकली इन्हीं एरियाज पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो आई होप नाउ यू हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ exactly where to focus on in this particular chapter. So with this, we are going to end this class here. Milte hain next class mein, discuss karenge dusra chapter aur uske important topics. So till then, stay tuned to our channel. So don't forget to like, share and subscribe our channel, guys. See you. Bye-bye.